नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त गेमर्स काय और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे वॉक थ्रू में जिसका नाम है पोकेमॉन और ऑरेंज आइलैंड्स। पिछली बार हम लोग यहां फुकाहार आइलैंड आ चुके थे, अब हम एक्सप्लोर करेंगे बे केव और हमें शायद से मिलेगा एक काबूटो का फॉसिल। लेट्स सी क्या होता है। और यहां पर तो है डेड एंड। चलो डायरेक्टली केव के अंदर। बे केव दर्शन बोला है रिपेल, आई मीन पिक्सेस दिया है उन्होंने की आइटम। एक्स अटैक हिडन आइटम मतलब क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट बैटल। हाँ ये देखना था मुझे कि ये बैटल करते हैं कि नहीं। ओके वाटर गन फिल एप्रस का इनको। क्यों बॉम्ब भी गया मेरे लिए तो अच्छी बात। एक्स डिफेंड हमने कॉमन पोकेमॉन ही आ रहे तो रिपेल्स यूज करो मैं कहूंगा। रेयर कैंड हिडन आइटम TMO1 फोकस पंच मिला है मुझे यहाँ पर, तो मैं रॉक स्मैश के कौन से भी एरियाज को फिलहाल हाथ नहीं लगाऊंगा। ये सारी चीज़ ही एक्सप्लोर करके लेनी है, उसके बाद ही रिपल्स वेस्ट हो रहे हैं मेरे। बाकी कुछ नहीं, पिपो की कैश है वैसे देखा जाए तो मैं परचेस कर सकता हूँ। चलो एक और बैटल क्यूमॉन गया। जियोड्यूड स्क्वाल्टर जाओ, तुम्हें भी लेवल अप की जरूरत है। तो एक लेवल 20 को क्यूबॉन को नहीं हरा पा रहे थे, मे बी 27 पे जाओगे तब हरा पाओगे। 27 स्क्वाल्टर इजी सेंचुरी भी गया। दिस रॉक इज ब्रेकेबल। प्रोटीन मिला मुझे यहाँ पर, वहाँ पे पहले हिडन आइटम्स देख लूंगा बॉस। अभी हम यूज करेंगे रिपेल फिर से और अब फिक्सेस का इस्तेमाल करना चालू कर देंगे। समथिंग ओके टोम फॉसिल मिल गया मुझे। ओके यहाँ पर तो कुछ नहीं। क्योंकि एंट्रेंस में कुछ नहीं था ना, मेरे ख्याल से मेरे रिपल्स यहीं पर वेस्ट होने वाले हैं केव में। मल्टी का एक्स प्लीज, ये एक्स लो हो जाएगा पूरा। एक और रिपल कुछ नहीं, बस इतना ही था। चलो निकलो बाहर फिर। अरे यार ये यही लफड़ा है, टप्पे टप्पे भी पोकेमॉन आते हैं तो रिपेल्स यूज करना ही पड़ता है। ये देखो ऐसे ही बाहर निकलना पड़ेगा मुझे। ये नेक्स्ट आइलैंड अभी दूर है तो मुझे दो रिपेल बचे हैं उसको संभाल कर रखना है। You found a fossil? That's great. Can you bring it to the museum on Moro Island? They have better equipment to examine it when we have here. Okay. Same dialogue. ठीक है, Moro Island जाएंगे तब देख लेंगे। लाल कलर तो बल्टी खाते हैं यहाँ से। Nidoran है यहाँ पर भी, female. अभी कहां पर जाएंगे अपुन?
रूट जी और किनो आइलैंड पहुंचेंगे। फिर रिपेल यूज़ कर देता हूँ मैं। लैप्रस, अभी तुम्हारा आराम करने का वक्त है, वापस आ जाओ। मैटर कर लो लेडी साइडक। टेंटापूल ओके। वहां पर मिस्टी है, एक स्पीड में चेक ग्रास भी चेक करने दो भाई। जानबूझ के अभी रिपेल नहीं यूज करूँगा, अभी एक ही रिपेल बचा है मेरे पास। आयन ठीक है, मे भी जब मैं उनके सामने जाऊंगा तभी इवेंट एक्टिव होगा। यहाँ का सिर्फ बैटल है क्या ये? बैटल कर लेता हूँ मैं पहले, फिर मिस्टी से कंफ्रंट होता हूँ। कोई इतना आइटम तो नहीं है, चलो फिर मिस्टी का मुकाबला देखते हैं अभी। दैट वॉज अ ग्रेट बैटल मरीना, इंडीड मिस्टी, इट वॉज ग्रेट टू हैव अ बैटल विद अ फेलो वाटर पोकेमॉन ट्रेनर। I couldn't be happier now. My Psyduck finally evolved in this cool Golduck. Now the fight is over. It's time to return to your Pokeball. I agree, Misty. Golduck return. Psyduck return. But if that is my Psyduck, then whose Golduck is this? Apparently, it was just a wild Golduck that likes attention, which makes it an even greater performance to make a wild Pokemon obey you. Thanks, Psyduck return. It has been a pleasure to meeting you. Sky, you came here just in time. I can really use some distraction after losing that Golduck. Why don't we have a Pokemon battle right now? Sure, Misty, let's go. 5 Pokemon use karegi Misty. हम जाएंगे पहले थंडर शॉक के साथ ही। 35 पर पिकाचू, साइडक, और सी जाबल बसा और सी गई। Oh, Swift. Starmie. Bubble Beam. एक और Razor Leaf. Starmie भी गई. Congratulations on your win, Sky. I must say, your adventure on the Orange Island did not make you weaker, Sky. I shall be heading to Neville Island to rest a little. I heard a member of the Orange crew is around there somewhere. Therefore, it might also be interesting for you to visit. Well, see you next time, Sky. सब लोग Neville Island ही भाग रहे हैं। मैम क्या आप भी बैटल करोगे? My Pokemon need a little rest right now. Sure, if you visit me in a while, we could have a Pokemon battle. Okay, in a while, maybe next episode में देख लूँगा। तो लास्ट रिपेल बचा है वो यूज कर लेता हूँ मैं। रुची फुकाहार आइलैंड किनो आइलैंड। बुल्डिंग आई होप एटलीस्ट अभी किनो आइलैंड पे तो मार्ट होगा, फुकाहार पे मार्ट ही नहीं था। मैं कंटिन्यू करो, अल्पस की एचपी कम है।
इजी, एक और थंडर शॉक, वो भी क्रिटिकल हिट, इसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे देखा जाए तो। खैर हमें क्या, हम ऐसे फ्री बीज को कभी मना नहीं करते। एक बैटल, थंडर शॉक, टेंटाकूल, एक क्रैबी, एक हॉर्सी, ओ 36 पिकाचू, नाइस, एक और थंडर शॉक, लास्ट इज सील। इजी, अच्छे बैटल्स हुए, एक्सपी भी अच्छी मिली पिकाचू को। किनो आइलैंड हम पहुंच चुके हैं, रिपल इफेक्ट वेयर ऑफ। अरे फुल हील मुझे चाहिए, कहाँ मिलेंगे? एक सेक्यूरेसी, चलो एटलीस्ट हील तो कर लिया हम लोग ने। ओ वर्सेस सीकर, थैंक यू, अभी पहले डिपॉजिट कर दूंगा वो मक जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कि बाद में स्नोरलैक्स भी आएगा टीम में। और मैं सोच रहा हूँ ना कि टोरोस के बदले में स्नोरलैक्स को यूज़ करूँ ऑरेंज लीग के लिए, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि एनिमे में वो स्नोरलैक्स उसका सोया रहता है, इसलिए वो टोरोस का इस्तेमाल करता है। मगर मेरा मानना है कि यार अगर जगा हुआ रहता तो शायद वो यूज़ करता अपना, क्या बोलते हैं उसको, स्नोरलैक्स ही। और बोले उसके पास हाई स्पंज है, हाइपर बीम है, ये वाले स्नोरलैक्स के पास क्या क्या होंगे ये मुझे मालूम नहीं, मगर फिर भी हम क्या क्या बेच सकते हैं। हार्डस्टोन रॉक टाइप पोकेमॉन नहीं, मेरे टीम में तो कोई रॉक टाइप पोकेमॉन नहीं, हार्डस्टोन बेच देता हूँ मैं, पर्ल बेच देता हूँ, एक्स अटैक, एक्स डिफेंड, एक स्पीड और एक सेक्यूरेसी, थैंक यू। बाय करने जाऊँगा तो सुपर पोशन, पांच रिवाइव्स, पांच फुल हील और 10 नहीं 20 सुपर गन। यहाँ पर ठीक है रिवाइव, मूनस्टोन ऊपर, अरे एचपीएफ सब पिकाचू ऊपर, प्रोटीन, आयरन, सुपर रिपेल एकदम ऊपर, पोशन के नीचे सुपर पोशन और फुल हील इन सब के नीचे। ओके किनो आइलैंड कल्चरल सेंटर, ओके गुड रॉड भी मिला, नाइस, क्या क्या है, एक और घर है यहाँ पर, मे बी एक और हिडन आइटम, नहीं मैं ठीक है, मैंड्रिन साउथ, ओ टीम ऑफ आई, थैंक यू, हिडन आइटम कुछ भी नहीं है, सचमुच कुछ भी नहीं है हिडन आइटम। एंटर द पोकेमॉन स्नो शो बोर्ड, यू से ओ शो बोर्ड पास मिला है मुझे कुछ तो, वेलकम टू द पोकेमॉन शो बोर्ड,
यू वॉन्ट टू एंटर द शिप यू शुड गो टू द पैसेंजर्स एंट्रेंस लेफ्ट ऑफ मी. वेलकम टू द पोकेमॉन शो बोट. स्काई शोड हिज शो बोट पास. आई सी यू हैव द राइट टू एक्सेस दिस शिप. फील फ्री टू एंटर. एस एस एन क्यों लग रही है मुझे ये? नहीं है. हेलो देयर, आर यू हियर टू व्यू आवर न्यू शो द हीरोइक हिट वन चैनल? नो, फील फ्री टू कम बैक हियर व्हेन यू चेंज योर माइंड. ओके, मैं बाद में आऊँगा, अदरवाइज ये बोट चली जाएगी. यस, मुझे मालूम था बैटल्स है यहाँ पर, इसके लिए आया था एक्चुअली. एक्सपी एक्सपी. आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हो, आपको चाहिए तो. मैं तो स्किप नहीं करूँगा एक्सपी मैटर्स, क्योंकि यहाँ पर अब तक डे केयर मिला नहीं है. ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल होती है. और एयर कैंडी वो जो मिल रही है मुझे, वही मैं यूज़ करूँगा एट दी एंड. खुद से तो कोई लेने जाऊँगा नहीं. वल्पिक्स, मुझे लगा है डाउट आ रहा था मुझे स्टार्टिंग में, ये फायर टाइप पोकेमॉन ही यूज़ करेगा एज यूजुअल. और रोसा का वो जाओ स्कोर्टल. एक वाटर गन बच गया नियर. ठीक है, ग्राउंड लिख गया. हाइपर पोशन. ओके, एक और बैटल. माचॉप, सब लोग माचॉप ही यूज कर रहे हैं. 4036 पे छिड़ेगा ना विंग अटैक, इसलिए उसको यूज नहीं कर रहा हूँ मैं तो. वो तो पूरा तहस नहस कर देता सबको. ग्राउलित, एक थंडर शॉक. फिर से ग्राउलित, लैप्रस जाओ. मेरे ख्याल से सर फिट ही करेगा इनके लिए अभी, क्योंकि वाटर गन में तो बच रहा है वो. सर्फ में गया. म्याउट, ग्राउल यूज कर रहे हैं फिर से. इस बार गया म्याउट. लैप्रस 28. सर्फ में भी गया मैं. अरे यहाँ पर भाग सकते हैं, मुझे लगा नहीं भाग सकते. यस, लैप्रस इज गुड फॉर स्नोरलैक्स. श्योर मुझे मिलेगा वो जल्दी. बैटल ये जितने हो सके उतने आज कंप्लीट कर लेंगे, बाकी के कल. यार जस्ट लाइक दोस सीआईडी मेंबर्स, चप्पा चप्पा छान मानेंगे फिर उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे. क्या मालूम टीएम वीएम मिल जाए, अगर बोट बीट चली गई तो मिलेगा नहीं वो बाद में फिर से. एक और थंडर शॉक इनफ होगा. पीपीएफ, हाँ पकड़ लिया उसने मुझे. इधर इच जगलर, वोल्टॉर्ब, स्पार्क, हश पैरेलल ने किया. अरे मैं नहीं जाऊँगा बस, तेरा पहले रूम देख लूँगा ना मैं. हाँ तो बैटल करेगा है ना, दो ही फ्लोर बाकी है. आई मीन दो ही रूम बाकी है, कर लेते हैं वो भी. और बोर्ड शो भी अटेंड कर ही देते हैं फिर, बैटल नहीं होने वाला होगा उधर तो. और वो बोले अगर आपको बैटल करना है तो आ जाओ हमसे बात करो, तो अपन नेक्स्ट एपिसोड में देख लेंगे वो. अरे दो ट्रेनर थे यार, मुझे लगा ये एक ही है.
पिकाचू वर्सेस पिकाचू, थंडरबोल्ट, तेरे पास तो थंडरबोल्ट होगा ही नहीं। टीम 18 रेन डांस, टाटा एक और रटाटा, माचॉप, अरे रे 38 से कितना क्लोज भाई साहब। चलो कंटिन्यू करते हैं, नीचे जाएंगे डायरेक्टली वो शो अटेंड करने। यस फील फ्री टू टेक एनी अवेलेबल सीट इन द फ्रंट नाउ, यू वेट अ मोमेंट अंटिल द शो स्टार्ट्स। नाउ द प्ले स्टार्टेड, यू आर व्यूइंग अ ग्रेट शो अबाउट हिटमैन चैंग दैट वांट्स टू बिकम द बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन। आई कांट वॉक अवे, आई हैव टू स्टैंड हियर एंड फाइट फॉर, आई शुड नेवर फॉरगिव माई सेल्फ। You better get ready to lose because I'm gonna be the champion. Ah, I lost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hitmonchan is the winner. Hooray, victory. Congratulations, darling. I owe it all to you, my love. And so Hitmonchan defeated his rival Machoke. Maybe I should check out how it's possible that those Pokemon are able to talk. You should be quiet backstage when they are performing. Forgive me, I didn't even mention my name yet. My name is Kai. I'm one of the voice actors of this show. Wow, your Pokemon look so confident around you. My Raichu is not confident around me at all. That's why she is not able to perform in the theater. She is afraid of me. It might be because I'm afraid of her, because she electrocuted me the first time we met. Since that moment, I am always afraid to get shocked again. How can I make her trust me again? I know, why don't we have a Pokemon battle? That will show Raichu I am not afraid of her. Plus, a Pokemon battle is a great way to create a bonding between a trainer and a Pokemon. Okay, Khali Fokar ka mera time pass karwa rahi hai. Actress Kai. Mera Thunderbolt ke saath hi. Uske paas bhi hai Thunderbolt. ओके राइचू गया, पिकाचू 38, दैट वर्क लाइक अ चार्म। थैंक यू स्काई, राइचू एंड आई आर क्लोजर देन वी एवर बिफोर। लेट मी गिव यू अ स्मॉल प्रेजेंट फॉर हेल्पिंग अस, हियर यू गो। नाउ राइचू एंड आई ट्रस्ट ईच अदर, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम अंटिल राइचू विल स्टार इन आवर न्यू शो। ओके थैंक यू राइचू। सब लोग एक ही डायलॉग बोल रहे, सब लोग जा भी चुके हैं तो हम भी निकलते हैं। ओके तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हमारी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो और अगर मेरा कंटेंट आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।